बजे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। 28 दिनों के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या पर लगा ब्रेक। शहर सहित जिले में पिछले दो दिनों से कोरोना के संदर्भ में राहत भरी खबर है। मरने वालों और दैनिक पॉजिटिव मरीजों के मिलने वालों की संख्या में कमी आती नजर आ रही है। शनिवार को हालांकि नागपुर जिले में फिर 38 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई, लेकिन पिछले दिनों तो रोज ही 45 से अधिक मौतें हो रही थी। शनिवार को जिन 38 की मौत हुई उनमें शहर के 18, ग्रामीण भागों के 12 और जिले के बाहर के 8 मृतकों का समावेश है। वहीं 1205 नए पॉजिटिव मिले हैं। एक दिन पूर्व 971 पॉजिटिव मिले थे और 41 की मौत हुई थी। जिले में अब तक मरने वालों की संख्या 2340 हो गई है, जिसमें 1711 शहर के और 402 ग्रामीण भागों के हैं। इनमें 227 जिले के बाहर के मृतकों का समावेश है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 74231 पर पहुंच गई है। शनिवार को 1536 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 56616 हो गई है। जिले में स्वस्थ होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 76.27% है, जो उत्साहवर्धक है। जिले में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 15275 है, जिसमें 11,489 शहर के और 3,786 ग्रामीण भागों के हैं। जिले में शनिवार को 5,026 स्वैब जांचे गए। इन्हें मिलाकर अब तक जिले में कुल 4,30,799 स्वैब जांचे गए हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। बचाओ! क्या हो गया इसको? बचाओ! बचाओ! चिल्ला क्यों रहा है? बचाओ! बचाओ! बेवकूफ! बचाओ! कोई जानता है इसको? है कौन? बचाओ! बचाओ! कौन हूँ मैं? मैं एक मामूली इंसान जो खुद को और सबको कोरोना से बचाने के लिए इस मौसम में मास्क पहन के सबसे 6 फीट की दूरी रख के आधा घंटे से राशन के लिए खड़ा हूँ और उसके ठीक सामने ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुले आम सबको थूक के बीमारी देने की कोशिश कर रहा है। ये सॉरी वो आदत मत। मास्क पहन। कोरोना थूकने से फैलता है थूकी चंद। अबे सही नाम है, सभी थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए। ए थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद मत बनिए। अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए। जय हिंद।